देखिए आंसर की लिखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताइएगा। अभी 91 से लिखिए कटल को, कटल को तो आई कर दो। 91 ए, 92 सी, 93 सी, 94 ए, 95 ए, 96 सी, 97 सी, 98 ए, 99 ए, 100 डी फॉर दिल्ली, 101 बी फॉर बॉल, बॉम्बे और दिल्ली बोलूंगा डी और बी के लिए, ठीक है, क्योंकि जब बोलते हैं ना डी और बी तो कंफ्यूजन होती है, तो बॉम्बे मतलब बी और दिल्ली मतलब डी, याद रखिएगा, ठीक है। 100 दिल्ली, दिल्ली, 101 बॉम्बे, 102 सी, 103 दिल्ली, 104 104 सी, 105 ए, 106 सी, 107 ए, 108 बॉम्बे, 109 सी, 110 सी, 111 बॉम्बे, 112 ए, 113 दिल्ली, 114 दिल्ली, 115 बॉम्बे, 116 बॉम्बे, 117 दिल्ली, 118 ए, 119 दिल्ली, 120 सी, 21 ए, 22 दिल्ली, 23 दिल्ली, 24 दिल्ली, 25 सी, 26 सी, 27 दिल्ली, 28 सी, 29 सी, 30 बी मतलब बॉम्बे, 31 ए, 32 सी, 33 सी, 34 बॉम्बे, 35 सी, 36 सी, 37 बॉम्बे, 38 दिल्ली, 39 ए, 40 बॉम्बे, 41 दिल्ली, 42 बॉम्बे, 43 सी, 44 दिल्ली, 45 दिल्ली, 46 बॉम्बे, 47 ए, 48 ए, 49 ए, 50 दिल्ली, 51 ए, 52 दिल्ली, 53 दिल्ली, 54 दिल्ली, 55 सी, 56 सी, 57 ए, 58 ए, 59 ए, 60 ए, 61 बॉम्बे, 62 सी, 63 ए, 64 ए, 65 सी, 66 बॉम्बे, 67 ए, 68 बॉम्बे, 69 सी, 70 सी, 71 सी, 72 बॉम्बे, 73 सी, 74 बॉम्बे, 75 सी, 76 दिल्ली, 77 बॉम्बे, 78 बॉम्बे, 79 बॉम्बे, 180 दिल्ली, हो गया। चलो फटाफट अब डाउट बताओ, 91 टू 110 तक बताइए 91 से। देखिए इन फुल्ली टर्जिट सेल, अगर कोई फुल्ली टर्जिट सेल है तो उसमें क्या होगा, तो टर्जिट सेल है मतलब वाटर पूरी तरह से भरा हुआ है,
तो वाटर भरा होगा यानी सिर्फ वाटर है यानी प्योर वाटर एक तरह से होगा। तो यानी कि अगर एक तरह से इसको लेके चले तो पूछ रहा है इसमें द साई एस विल बी निगेटिव एंड साई पी विल बी पॉजिटिव। तो साई एस का वैल्यू किसमें रहता है? निगेटिव, यानी बहुत कम साई एस का वैल्यू निगेटिव में रहेगा ही और साई पी का वैल्यू टर्जिडिटी बढ़ेगी, यानी पानी ज्यादा होगा तो साई पी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, यानी प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है उसमें। ओके, तो यहां पर ये देखिए इसका आंसर ए रहेगा। बाकी ऑप्शन को देख लीजिए क्या कह रहा है। साई पी विल बी निगेटिव एंड साई एस विल बी पॉजिटिव। साई पी निगेटिव होता है क्या कभी? नहीं, बोथ पी एंड एस विल बी पॉजिटिव। एस पॉजिटिव होता है? नहीं। फिर उसके बाद साई एस एंड साई पी विल बी निगेटिव, तो ना तो दोनों निगेटिव हो सकता है ना दोनों पॉजिटिव हो सकता है। तो और जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है साई पी विल बी निगेटिव, तो बी निगेटिव नहीं होता है, तो बचा ऑप्शन कौन सा? ए। समझ में आई बात क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन 95। व्हेन ए सेल इज प्लाज्मोलाइट इट बिकम्स, जब कोई सेल प्लाज्मोलाइट होता है तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाते हैं उसमें? निगेटिव में जाएगा या फिर जीरो रहेगा, तभी तो प्लाज्मोलाइट सेल का डीपीडी इक्वल टू क्या निकाले थे? ओपी माइनस माइनस टीपी, यानी ओपी प्लस टीपी। ये टीपी को प्लस में क्यों करना पड़ा? क्योंकि टर्गर प्रेशर लगभग जीरो होता है या उससे कम होता है एक प्लाज्मिड सेल में। और प्लाज्मोलाइसिस के तीन चार कंडीशन बताए थे, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस और एविडेंस प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस यानी जस्ट पानी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ है। ओके, और जब पानी निकलने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि सेल का अंदर का सॉल्यूशन और सेल के बाहर का सॉल्यूशन, पानी कब निकालेगा सेल? जब बाहर में कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो पानी निकालते समय एक ऐसा समय आता है कि दोनों का लगभग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के सेल को हम लोग कहते हैं फ्लैसिड सेल। तो ये प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन में आता है, यानी कि यहां पर देखो अगर ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में पानी यानी यहां पर सेल रख दिया है और ये सेल पानी निकाल रहा है, निकालते निकालते एक समय ऐसा आता है कि बाहर का सॉल्यूशन और अंदर के सॉल्यूशन पूरी तरह से इक्विलिब्रियम नहीं होंगे लेकिन लगभग लगभग इक्विलिब्रियम के जैसा होगा, ऐसे सेल के कंडीशन यानी इस सेल को उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं फ्लैसिड सेल। क्या कहेंगे? फ्लैसिड सेल। समझ में आई बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? कौन सा? 106। गटेशन इज लॉस ऑफ इम्प्योर वाटर विच इज रिजल्ट ऑफ। गटेशन का डेफिनेशन लिखाया था ना बेटा, तो हमने क्या बोला था कि गटेशन में यानी रूट प्रेशर बढ़ता है रूट प्रेशर के वजह से, यानी रात में ट्रांसपारेशन जब नहीं होता है और पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो रूट के ऊपर प्रेशर है, तो रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जो टिप ऑफ लीफ है वहां पर पानी जम जाता है और उस पानी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब आपको हमने उस दिन भी बताया था प्योर वाटर का मतलब क्या कि जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं हो, इम्प्योर वाटर का मतलब क्या? जैसे ही किसी पानी में सॉल्यूट आ गया मतलब वो इम्प्योर वाटर हो गया। आप अपने पीने वाला पानी के सेंस में मत लीजिए, जैसे उस दिन बोला था मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, तो आपके गंदे नाले का पानी भी जो बह रहा है वो भी फ्रेश वाटर है। तो इम्प्योर वाटर का मतलब समझिए कि जिस पानी में कोई ना कोई सॉल्यूट है, दैट इज इम्प्योर वाटर। तो गटेशन में जो वाटर लॉस होता है उसमें वाटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी आते हैं, इसलिए उसको इम्प्योर वाटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। Which of the following is the most acceptable theory for movement of water through plant?
मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कोहेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई 110 तक में। चलिए अब आगे जो जो डाउट है पूछते जाइए फटाफट सीक्वेंस में। बोलिए बोलिए फटाफट 100 ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स वुड बी द, तो क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस, हम तो उस दिन भी बताए थे कि सोर्स का मतलब जब कहीं पर सोर्स कम मानते हैं या तो वहां पर कोई चीज का सिंथेसाइजिंग हो रहा हो या फिर स्टोर होता हो, सिंथेसाइजिंग या फिर स्टोर। नोट्स में मैंने सोर्स टू सिंक बना करके पूरा दिखाया है तो उसको सोर्स बोलते हैं, यानी जहां पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रहा है या स्टोर हो रहा है, दैट इज द सोर्स। तो क्वेश्चन देखिए वही है आपका यहाँ पर कि ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट यानी जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, सिंथेसाइजिंग लीव्स यानी कि ऐसा लीव जिसमें फोटोसिंथेसाइजिंग होता है, तो फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स वुड बी द, तो फोटोसिंथेसाइजिंग लीव को क्या कहते हैं तो उसको सोर्स कहेंगे। एंड फ्रूट वुड बी, तो फ्रूट क्या है वो सिंक है क्योंकि फ्रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में, और लीफ में बना हुआ खाना कहाँ जाएगा? फ्रूट में, तभी तो फ्रूट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर सुगर हार्मोन एंड अमीनो एसिड आर ऑल्सो क्विटेड थ्रू फ्लोएम। ओके देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। सुक्रोज कभी भी कहा, सुक्रोज की बात आएगी तो कहा फ्लोएम। तो यहां पर फर्स्ट में देखो कि फ्लोएम हमें डालना है। फ्लोएम कौन कौन से ऑप्शन में है? बी और आपके डी में है। अब उसके बाद आइए तो यहां पर रख के देखिए, अगर फ्लोएम रखते हैं हम लोग तो फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर सुगर हार्मोन एंड एमिनो एसिड आर ऑल्सो। तो सुगर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो किससे? फ्लोएम से। तो सुगर हार्मोन एंड अदर एमिनो एसिड आर ऑल्सो यानी दो, तो लोडेड थ्रू फ्लोएम या फिर ट्रांसलोकेशन। जाइलम और फ्लोएम से किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। याद कीजिए ट्रांसलोकेशन मैंने शुरू में ही लिखाया है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। Which of the following the statement regarding mycorrhiza is incorrect? Mycorrhiza symbiotic association है fungi और higher plant का। तो कह रहा है कि which of the following statement regarding mycorrhiza is incorrect? कौन सा जो है वो incorrect है? चलिए, mycorrhizal fungi form a network around the young root and they penetrate the root cell। सही ऑप्शन है, इसीलिए तो एक डायग्राम बनवा के बुलवाया था आपसे। नेक्स्ट, माइकोरिजा हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सही बात है, रूट प्रोवाइड सुगर एंड नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द माइकोरिजा। ये भी सही बात है क्योंकि रूट जो होता है वो प्रोवाइड करता है उसको एमिनो एसिड या प्रोटीन ये सारे चीज को, और फंगाई जो है वो क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो फंगाई प्लांट को वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है। और डी ऑप्शन देखिए, पाइनस सीड कैन जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट माइकोरिजा। पाइनस सीड के में माइकोरिजा का कोई बात ही नहीं है, वो किससे रिलेटेड है? तो इम्बाइबिशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज। देखिए
कह रहा है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज, तो आपको मैंने बताया था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या उसी को मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये तो लिखाया हुआ चीज है, ये आपको डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ही जहां पर हमने लिखाया है उसी में मैंने बताया है। और इसको किसने दिया था, साइंटिस्ट का भी नाम मैंने लिखा था, डिगजन जोली आया था, डिगजन जोली है या ई मुंच है, ई मुंच, हाँ ई मुंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, 125, ओके पहले 138 बताने दीजिए। ऑस्मोसिस इज ए फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का फॉर्म है जिसमें क्या होता है, द सॉल्वेंट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। क्या आंसर डी दिया है ना, एक मिनट पहले ऑप्शन पूरा पढ़ रहा हूं मैं वो मैं आंसर नहीं बताया हूं, अभी पहले पढ़ तो लूं पूरा ऑप्शन कौन सा क्या है। कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, हाँ ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो उसमें होता क्या है, तो कह रहा है कि द सॉल्वेंट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, ये गलत है, लोअर केमिकल पोटेंशियल टू हायर केमिकल पोटेंशियल होता है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा सॉल्वेंट उतना कम हो जाएगा। द सॉल्यूट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं एक मिनट, द सॉल्वेंट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, इसका आंसर बी कीजिए, आंसर बी। अरे भाई केमिकल पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब केमिकल पोटेंशियल क्या हुआ, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल ज्यादा यानी कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ज्यादा होना डेट इज केमिकल पोटेंशियल। अच्छा नेगेटिव सेंस भी लेके चलना है, एक मिनट, हाँ तो क्या कह रहा है, एक मिनट, रीजन ऑफ इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का बढ़ना, तो उसको नेगेटिव सेंस में अगर लेते हैं तो लोअर केमिकल पोटेंशियल, द सॉल्वेंट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स, देखिए सी और डी ऑप्शन नहीं होगा, बस एक मिनट, ए और बी में कौन सा होगा वो निकाल लेते हैं। द सॉल्वेंट मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल, जितना केमिकल पोटेंशियल कम होगा टू मेम्ब्रेन टू ऑफ इट्स हायर केमिकल, लो यानी कि ज्यादा निगेटिव होना। इसको बी कीजिए, इसका कैसे, अरे आप भी डिस्कस कीजिए, बताइए ना कैसे, निगेटिव सेंस लेके चल रहा होगा तब, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ना कि निगेटिव में लेके चल रहा है या पॉजिटिव में, आप
Osmosis is a form of diffusion in which solvent move through region of higher chemical potential. Minus 5 or minus 4. So higher. इसमें आप किसको higher मानोगे? एक तरफ psi s का value minus 5 है और एक तरफ minus 4 है. Minus 4 को? Higher, higher. तो higher से lower. तब 1 होगा. तब A. ये higher होगा ना? A कीजिए फिर. Next question. 1. एक चीज और आपको बताता हूँ. सभी लोगों को. Question, ये जो test हम लोग देते हैं. Test discussion होना चाहिए. कभी भी आप अपने आप को उस ओर फोर्सफुली मत करो कि हमने ये आंसर लगाया है तो वही आंसर हो जाए. इसीलिए बेटा कि ये लर्निंग फेज है. जितना ज्यादा डिस्कशन होगा, जितना ज्यादा आप अप्रोच सही डायरेक्शन में करोगे, अभी आप 5 मार्क्स बढ़ा के भी क्या कर लोगे, कुछ फायदा नहीं होगा. थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे या टीचर खुश हो जाएगा, स्कूल खुश हो जाएगा, बट एक्चुअल हमें फाइट वहां पे करना है नीट के एग्जाम में. तो हमेशा एक जब तक उसका सही सेंस नहीं आए, जब तक सही प्रूफ नहीं मिले, ठीक है. अभी आपने बोला, मैं बोलता हाँ चलो ठीक है वो हो जाएगा, होगा तो क्यों ऐसे होगा, जब तक इस पे डिस्कशन नहीं हो. बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, आप ही नहीं, हमारे पुराने बच्चे का भी ये था कि ये मैंने लगाया तो पहले वही सही हो जाए. आज के बाद से ऐसा नहीं करने का, पहले गुड अप्रोच होना चाहिए. ओके चलिए नेक्स्ट आइए. और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is incorrect? अच्छा, not incorrect, यानी कि correct पूछा है. Okay. तो water and mineral and food are generally moved by mass, water by mass or bulk flow system. ओके, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर नहीं. जनरली फूड जो है वो मास फ्लो करता है और वाटर एंड मिनरल जो होते हैं वो मास फ्लो नहीं करते हैं, वो स्लोली स्लोली करते हैं, यानी ऑस्मोसिस से ज्यादातर होता है. एंड सुक्रोज वगैरह में जो फ्लोएम का आपको मैंने भी दिखाया है ट्रांसलोकेशन, उसमें मास फ्लो या इन मास फ्लो जो है वो हाइपोथेसिस भी दिया है. तो ये नहीं, बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट. पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब जब पानी अंदर जाता है तो दैट इज द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और पानी बाहर आता है तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दोनों प्रेशर एक साथ नहीं हो सकते हैं. द बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. प्लांट, देखो द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए कंडक्टिंग टिश्यू बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, ट्रांसलोकेशन जनरली याद रखिए जाइलम एंड फ्लोएम से किसी भी सब्सटेंस का होता है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन. जाइलम एंड फ्लोएम से कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हुआ है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन. जाइलम ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सही है. और फ्लोएम ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी सही है. 4 और 5 दो सही मिले, और इधर कौन कौन गलत था, 1, 2 और 3. आंसर क्या है इसका, सी है, ठीक है.
वन द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द बोथ एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई द नेट डायरेक्शन रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द बोथ एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई ओके कह रहा है कि द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का डायरेक्शन और रेट किस बात पर डिपेंड करता है और वो एक्स एंड वाई पे इंडिकेट करता है तो एक्स एंड वाई क्या है ठीक है तो देखो हमेशा दो चीज पे डिपेंड करता है जैसे आपको बताए थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कौन कौन से थे टेम्परेचर आया था आपके टेम्परेचर दूसरा प्रेशर तीसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये सब फैक्टर होते हैं तो अगर किसी चीज को जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एक इस तरह का बहुत सारे बच्चों को बताया एक जो है वह फनल दे रखा था और यहाँ पे शुगर का सुक्रोज का सॉल्यूशन था और इसमें यहाँ से प्रेशर लगा हुआ था ठीक और यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एसपीएम और इसमें सुक्रोज का सॉल्यूशन है और बाहर में प्योर वाटर है तो पानी कहाँ जाएगा बाहर से अंदर की ओर क्योंकि अंदर में सॉल्यूशन है बाहर में प्योर वाटर है सॉल्यूशन है तो पानी अंदर में कम है लेकिन जब इसको यहां से प्रेशर लगा देते हैं तो ऑस्मोसिस रुक जाता है तो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेम्परेचर ये जो है वह प्रेशर के रेट ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के रेट को और डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं हार्मोन वगैरह से भी हाँ किधर फ्लोएम ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओके ओके फ्लोएम ट्रांसलोकेट वाटर है ना नहीं जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल सॉल्ट एंड ओके एक मिनट फाइव गलत हुआ फोर सही हुआ हमारा तो अगर ये लेके चलेंगे हम तो ठीक है ए बी ये हमारा ए भी आंसर नहीं हो सकता है और सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ तो एक सही है सिर्फ फोर्थ ही सही है ठीक है ना बाकी कोई सही नहीं है तो नहीं क्वेश्चन गलत है होता है ऐसा तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो उनमें से भी बेहतर कौन सा हो सकता है वो लगाना होता है चारों में से कोई सही नहीं लग रहा है तब सेकंड में ऐसा कौन सा है जिसको सही किया जा सकता है वो लगाना पड़ता है जैसे आज एक बायोटेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन था उसके चारों ऑप्शन गलत थे चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा तो चारों में से कोई नहीं होता कोई एक ऐसा पकड़ना पड़ता है जो उसके नियरेस्ट अबाउट हो अब यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन है या तो सी लूं या तो डी लूं क्योंकि ए और बी तो होगा नहीं जब भी होगा तो कौन होगा ये होगा सी और डी और सी और डी में चुने तो सी चुनते तो कम से कम फोर तो सही हो रहा है और डी लेते हैं तो क्या होगा दोनों गलत एक साथ हो जाएगा तो कौन सा लेना पड़ेगा सी लेना पड़ेगा समझ गए बात को ये एक अप्रोच लेके चलना पड़ता है हमें कल डिस्कस करूंगा बताऊंगा ये चीज अगर हाँ उधर सुनो हिना अगर उधर और किसी बच्चे को जैसे अभी तो जो बच्चे यहां बोल रहे हैं वो कर रहा हूं ना अगर उनको भी आप लोग को भी कोई और डाउट हो तो आप आके नंबरिंग लिखा देना ठीक है ना बताइए बोलो कौन सा था वन सीड वेन सोक्ड इन वाटर दे इम्बाइब बिकॉज ऑफ ये देखिए आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा इम्बाइबिशन जो होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि सीड के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन बहुत कम होते हैं और वाटर का कंसंट्रेशन कम है जिसके वजह से वो तेजी से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं जब वो वाटर में जाते हैं तो यहां पर क्वेश्चन
कह रहा है कि सीड वेन सोव इन वाटर दे इम्बाइब बिकॉज ऑफ पानी के मूवमेंट के लिए ज्यादातर हम लोग क्या लेके चलते हैं, या तो डीपीडी या साई डब्लू। ये दोनों हम लोगों को एक वैल्यू देता है जिससे वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन क्लियर पता चलता है। तो साई डब्लू के वैल्यू से या फिर साई या डीपीडी के वैल्यू से आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए ओपी आउटसाइड द सीड इज लो, ओपी का वैल्यू सीड के आउटसाइड क्या है, लो है, उसके वजह से, या ओपी ऑफ वाटर इज हाई, वाटर का ओपी क्यों, हमें साई डब्लू निकालना। डीपीडी ऑफ सीड इज वेरी मच लो, इसका यानी कि सीड का कह रहा है कि डीपीडी वेरी मच लो। डीपीडी तो वेरी हाई होगा ना भाई सीड का, क्यों क्यों हाई होगा सीड का डीपीडी? डीपीडी घटाने के लिए क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, पानी का जाना डीपीडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सॉल्यूट का बढ़ाना मतलब डीपीडी बढ़ जाएगा। तो पानी तो बहुत कम है उसमें। अब क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सीड कोट एंड वाटर, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी सीड के अंदर सॉल्यूट का, यानी पानी बहुत कम है, यानी जो भी सॉलिड उसका पार्ट है दैट इज सॉल्यूट वो बहुत ज्यादा है। तो सॉल्यूट ज्यादा है मतलब वाटर पोटेंशियल उसके अंदर बहुत निगेटिव में है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा माइनस में होगा सीड में। और वाटर जो है उसमें वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्योर वाटर है या जो भी वाटर है। तो इसी वजह से पानी, और पानी का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होता है, अगर एक तरफ साई ए डब्ल्यू का वैल्यू मान लीजिए माइनस फाइव है और दूसरी तरफ साई डब्ल्यू का वैल्यू माइनस थ्री है, तो किधर से किधर की ओर होगा, किधर से, माइनस थ्री से माइनस फाइव। तो ये जो है यहां पर जो वाटर सीड के चारों तरफ, आप चना लेते हो रात में और भिगो देते हो, सुबह चना मटर जो भी मूंग है वो फूल जाते हैं, तो जो आप पानी दिए नल में से अपने टैप वाटर से निकाल के, वो भी सॉल्यूशन है, प्योर वाटर नहीं है। तो मान लो उसका साई डब्ल्यू का वैल्यू थ्री है और सीड का वैल्यू ये है, तो डेट इज द साई डब्ल्यू का वैल्यू डिफरेंस यहां पर लेके चलते हैं 143। ए सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड व्हेन, क्या नहीं बताया था सही से, फ्लैसिड सेल का डेफिनेशन भी लिखाया हूं, क्लास किए थे, फ्लैसिड सेल का डेफिनेशन प्लाज्मोलाइसिस के टाइम पे देखिए, फ्लैसिड सेल किसको कहते हैं उसका डेफिनेशन भी दिया है। और अब अगर वो नहीं याद है तो यहां पे आइए, डायरेक्ट ब्लेम मत कीजिए, पहले नोट्सबुक को पढ़िए, ठीक है, कि आपने बताया नहीं था सही से, आपने किया नहीं था सही से, आप छोड़ दिए थे, आप हट गए थे, गलत है। अब आइए यहां पर, मैं बताने से नहीं भाग रहा हूं, बस समझा रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं। हमने क्या दिखाया था बेटा कि यहां पर दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है, और हमने एरो ऐसे करके दिखाया था और एरो ऐसे करके सॉल्यूशन के फॉर्म में, डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, डायग्राम इस तरह का बनाया था और यहां पर क्या लिखा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यानी या तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर आएगा, तो क्यों ऐसा होता है, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखने के लिए, यानी ये सेल को, ये डेट इज फ्लैसिड, और इसके पहले हाइपरटोनिक में देखो वहां पे क्या लिखा दिए थे, प्लाज्मोलाइज, यानी प्लाज्मोलाइसिस का कंडीशन हाइपरटोनिक में आया था, फिर आपको हाइपोटोनिक में टर्जिड सेल का लिखा दिया था और आइसोटोनिक वाले में फ्लैसिड का लिखाया था। तो यहां पर ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है। हमने बोला था या तो पानी आना जाना बाहर, ना तो पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, और अगर जितना अंदर जाता है उतना बाहर भी आ जाता है अगर आना जाना करता है, तो दोनों कंडीशन है। अब आप सोचो कि हमने ऐसा क्यों, अरे भाई जब सेल है तो कुछ भी प्रेशर का थोड़ा सा अगर डिफरेंस होता है तो हो सकता है कि प्रेशर डिफरेंस होने से पानी अंदर जाए,
तो पानी जब अंदर जाएगा, प्रेशर जब नॉर्मल होगा, तो उतना पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और एक में हमने वही हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन आपको याद होगा तो सिर्फ पानी अंदर जाता है, हाइपोटोनिक में सिर्फ पानी बाहर आता है। याद कीजिए चीजों को। नेक्स्ट आइए, वन ए बोटल फिल्ड विथ प्रीवियसली मेंशन मास्टर्ड सीड एंड वाटर वाज स्क्रू कैप्ड टाइटली एंड केप्ट इन ए कॉर्नर, इट ब्लू अप सडनली आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, द फेनोमेनन इन्वॉल्व इन दिस। पूरा का पूरा जो सीड डाला हुआ है, दैट इज द सीड जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज इम्बाइबिशन। समझे? इसका अच्छा ये वाला पूछ रही हो, क्वेश्चन नंबर 143। ए सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड व्हेन, अच्छा बी सॉल्यूशन, बी आंसर क्यों नहीं होगा, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सॉल्यूट का रोल होता है ना कि सॉल्वेंट का रोल होता है। लिखे आइए क्या दिया है, दिखाइए। हमने फिर डाउट क्या है आपको, बी एनसीईआरटी के हिसाब से बी होगा, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। लेके आइए, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस नहीं रहता है, जिसके वजह से ये होती है, क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी, ये सॉल्यूशन के लिए है। और बात किसकी हो रही है, चार टाइप के सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस में हमने चार सॉल्यूशन लिखाया है, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन के लिए है कि जो, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दो सॉल्यूशन है, तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब प्लाज्मोलाइसिस का कंडीशन लाता है, दैट इज द हाइपरटोनिक, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब टर्जिडिटी का कंडीशन लाता है तो वो हाइपोटोनिक, और एक्सटर्नल सॉल्यूशन जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है साइटोप्लाज्म से, दैट इज द आइसोटोनिक। सॉल्यूशन का रेस्पेक्ट है बेटा, और इसी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हमने डायरेक्ट सेल भी बता दिया था कि इस सॉल्यूशन में सेल कैसा होगा। तो जब इस सॉल्यूशन के केस में अगर सेल होता तो वो फ्लैसिड सेल बनता है, हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन के केस में जो सेल होता है वो टर्जिड सेल बनता है, और हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन के केस में सेल प्लाज्मोलाइज होता है। ये सेल का कंडीशन है, ये सॉल्यूशन के बारे में है। अब समझ गए, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन और आगे बढ़िए फटाफट। 150 X break the continuity of Y, the pathway and force water and solute to across the endodermis by passing through the plasma membrane, identify X and Y। अरे कैस्पर ने स्ट्रिप नहीं पढ़ाई की थी, देखिए कह रहा है कि X ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द वाई पाथवे एंड फोर्स वाटर एंड सॉल्यूट टू अक्रॉस द एंडोडर्मिस बाय पासिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स सबरीन और वाई टोनोप्लास्ट, ओके, एक्स सबरीन वाई सिम्प्लास्ट, एक्स कैस्पियन स्ट्रिप, हाँ कैस्पियन स्ट्रिप होगा, और वाई टोनोप्लास्ट। एक्स जो है वाई के पासिंग को ब्रेक करता है, तो वाई मतलब पाथवे पूछा है, और एक्स उस सब्सटेंस का नाम पूछा है जिसके वजह से वाई ब्रेक होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए,
कह रहा है कि X break the continuity of Y pathway, यानी एक ऐसा चीज है जो Y pathway के continuity को break करता है। तो Y pathway के continuity को अगर हम लोग apoplast मानते थे, apoplast के continuity को कौन break करता है? Castrian strip। तो X और Y वहां पर पूछ रहा है कि कौन है। आप देख लीजिए, मिला सेटिस्फेक्शन हुआ बात? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर क्लियर हो जाएगा। अरे सिंपल समझो कि X कह रहा है कि X की, हेलो, हाँ, X की कंटिन्यूटी, X एक ऐसा सब्सटेंस है जो Y पाथवे की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। तो Y पाथवे की कंटिन्यूटी ब्रेक होने वाला एक ही पाथवे वो है कौन? एपोप्लास्ट। क्योंकि सिंप्लास्ट क्या है? कंटिन्यू है, वो कभी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ब्रेक होने वाला एक ही पाथवे वो है एपोप्लास्ट, और एपोप्लास्ट ब्रेक होता है किसके वजह से? कैस्पियन स्ट्रिप। एक्स और वाई का नाम दे दीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वन, वन फिफ्टी नाइन। इफ स्टेम इज गिर्डल्ड, गिर्डल्ड का मतलब होता है कि लगभग लगभग समझ लो ये प्लांट है, और इसी क्वेश्चन को अलग तरह से भी दे देता है। कहता है, मान लीजिए हम कह दिए ना आपको कि ये सॉइल है, और इस सॉइल में 100 ग्राम हम यूरिया अगर मिक्स कर दिए तो ये प्लांट को क्या होगा? एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया में 100 ग्राम या फिर 1 केजी यूरिया को मिक्स कर दिए तो ये प्लांट को क्या होगा? प्लांट मर जाएगा। क्यों? आपने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉइल में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके वजह से रूट जो है वो एक ऑस्मोसिस करने लगेगा, यानी रूट पानी को सॉइल में निकालने लगेगा, जिसके वजह से रूट जो है वो मर जाएंगे। रूट के सेल पानी निकालते निकालते, यानी कि सॉइल जो है यहाँ पर वो हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन कर देगा रूट के लिए। तो ये सॉइल जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट के सेल से क्या होंगे? एक जो ऑस्मोसिस, और यही जो है यानी रूट के सेल पहले मर जाएंगे, तो ये कंडीशन दैट इज द गिर्डल। क्वेश्चन कौन सा था? नंबर बताइए ना, 159 था ना। इन ए स्टेम इज गिर्डल, रूट डाई फर्स्ट, शूट डाई फर्स्ट, बोथ टुगेदर, नॉन ऑफ दीज। कभी भी पहले रूट मरता है, कभी भी। अरे यहां पर ये कंडीशन के तो पहले पानी किसमें से ज्यादा निकलेगा? रूट में से ज्यादा निकलेगा ना, स्टेम में तो बाद में निकलेगा, तो पहले रूट मरेगा। रूट, देखो प्लांट दो ही वजह से मरता है, ये बात याद रखिए। या तो उसके सारे लीफ काम करना बंद कर दें, या उसके रूट काम करना बंद कर दें। रूट का काम है एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ऊपर में रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट मर जाएगा। और अगर रॉ मटेरियल ऊपर पहुंच भी रहा है लेकिन कोई लीफ नहीं है और लीफ काम करना बंद कर दिया है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो भी प्लांट मर जाएगा। बीच वाला पार्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बीच वाला पार्ट उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है, ना ही वो एब्जॉर्प्शन करता है ना वो फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 37। तू अभी तक उधर ही अटकी पड़ी है। ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल, जब एक प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो क्या होगा? एक्सपेंड अंटिल द ऑस्मोसिस पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल रीच डेट ऑफ वाटर, बिकम्स मोर टर्जिड विल द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल रीच इट ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, सबसे ज्यादा यानी टर्जिड हो जाएगा सेल, बिकम्स मोर टर्जिड अंटिल ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीच डेट ऑफ, प्योर वाटर के कभी नजदीक जा ही नहीं सकता है क्योंकि सेल के अंदर सी नहीं होगा, बिकम्स लेस टर्जिड अंटिल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीच डेट ऑफ प्योर वाटर बिकम्स लेस। अरे सेल को यहां पर देखो, ये सेल है, प्लांट का सेल कह रहा है, और इसको प्योर वाटर में रख दिया है,
ठीक, यहाँ पर प्योर वाटर है तो पानी कंटिन्यू क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा सेल के अंदर, क्यों, बाहर में प्योर वाटर है और अंदर में सॉल्यूशन है तो पानी अंदर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। अब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा इसके बारे में पूछा है, तो पानी अंदर जाएगा तो सेल टर्जिड होगा कि प्लाज्मोलाइज होगा, टर्जिड सेल बनेंगे। अब ऑप्शन देखिए तो कह रहा है कि एक्सपेंड अंटिल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल रीच दैट ऑफ वाटर, यानी पानी तब तक अंदर जाएगा जब तक अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर के सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। ऐसा है क्या पॉसिबल, अंदर में सॉल्यूट है तो कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्योर वाटर है। और दूसरा देखिए, बिकम्स मोर टर्जिड अंटिल द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल रीच इट्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल। हाँ ये होगा, प्रेशर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पानी तब तक अंदर जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, जितनी उसकी क्षमता है उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आइए, 160 ऑस्टोमाटा ओपन वेन, क्या डाउट है, 92 डिस्कस नहीं किया है। Which of the following pair of the cell structure are important for determining the movement of molecule in or out of plant cell? Vascular membrane, vacuolar membrane or tonoplast? Okay, determining the cell molecule in the out of cell plant cell. Okay, tonoplast plus vacuolar membrane, tonoplast or cell membrane? ठीक है, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्लांट का सेल है ना बेटा, ठीक है, हाँ लाइए ना बताइए, तीनों चीज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल द टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट इन प्लांट, द सेल यूजुअली कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हिच कंटेन द वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द solute potential of the cell. In plant cell, the cell membrane and the membrane of the vacuole, the tonoplast together are important determine of the movement of molecule in or out of the cell. Same question. हाँ, देखिए बात सही है, उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन इसके एक और पहलू, आंसर ठीक है वो ठीक ठीक कर देता हूँ, लेकिन एक और पहलू क्या होती है कि जैसे कोई प्लांट सेल है और वो प्लांट सेल सबरीन का बना है, ठीक है ना, या मतलब सेल वॉल अगर इम्परमिएबल टू वाटर होगा तो प्लांट की तो एंट्री नहीं होने देगा ना, तो उस कंडीशन में हाँ लेन और वाटर एंड सॉल्यूट को मेन रूप से स्टोर करने का काम कौन करता है, टोनोप्लास्ट करता है, तो टोनोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके 92 अभी डिस्कस करा देता हूँ। Which one of the following is not related to the gutation? 154. Which one of the following is not related to gutation? Water is given out in the form of droplet. Given out, अंदर की ओर लेता है ना? Given out, बाहर की ओर निकालता है ना? Droplet. Okay, droplet. Correct. ठीक है. Water given out is impure. हाँ, सही है. Water is given out during डे टाइम, नहीं ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन गटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल ऑकरेंस, नहीं 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 यूनिवर्सल ऑकरेंस नहीं हो सकता है, यूनिवर्सल ऑकरेंस नहीं है, गटेशन जनरली खास करके हर वाले यानी जो छोटे प्लांट होते हैं बड़े प्लांट में नहीं होता है, ठीक है ना, एक बार डे टाइम में हो सकता है, जैसे आज का मौसम, आज का मौसम है ना सनलाइट नहीं है ना, इंटेंसिटी कम है ना, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो गया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है, कौन सा, ए बोटैनिस्ट डिस्कवर ए मस्टर्ड प्लांट दैट वाज अनेबल टू प्रोड्यूस, ओके म्यूटेंट प्लांट दैट वाज अनेबल टू प्रोड्यूस मटेरियल दैट फॉर्म कैस्पियन स्ट्रिप, अनेबल टू प्रोड्यूस मटेरियल डेट फॉर्म कैस्पियन स्ट्रिप, दिस प्लांट वुड, ये प्लांट क्या करेगा,
अनेबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्यूट टू द लीव्स, नहीं तो ट्रांसपोर्ट तो होगा ही, अनेबल टू यूज इट्स शुगर एज ए शुगर सिंक, नहीं उसे भी कोई मतलब नहीं है। कैस्पियन स्ट्रीक का काम क्या है, वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है फिर तो दोनों ए एंड बी नहीं होगा आंसर, ठीक है। एबल टू एग्जर्ट ग्रेटर रूट प्रेशर देन द नॉर्मल प्लांट, ग्रेटर रूट प्रेशर देन द नॉर्मल प्लांट नहीं, क्योंकि उसका रूट प्रेशर का पूरा रोल ट्रांसपायरेशन से है, जितना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा रूट प्रेशर उतना बढ़ेगा, ठीक है। अन कर रहा है अनेबल टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज एब्जॉर्ब, इसका आंसर चार दिया है, देखिए है यही है ना, सही लगाए हो, सही तो है। And sir, stomata opens when? अभी ये कर रहा हूँ मैं, डिस्कस कर रहा हूँ, 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 160। अस्टोमाटा ओपेंस वेन, अस्टोमाटा कब ओपन होता है, तो गार्ड सेल में टर्जिडिटी बढ़ती है तब अस्टोमाटा ओपन होता है, तो गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू डिक्रीज इन देयर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा गार्ड सेल स्वेल अप, गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू डिक्रीज इन देयर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कब कम होगा, यानी कि जब उसमें ओके मैलिक एसिड जमा होगा, एक ये ठीक है। गार्ड सेल स्वेल अप ड्यू टू एन इंक्रीज इन देयर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल बढ़ना मतलब पानी का बढ़ना, नहीं गलत हो जाएगा। गार्ड सेल स्वेल अप इंडोस्मोसिस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन बाय, गार्ड सेल स्वेल अप बाय इंडोस्मोसिस ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं हाइड्रोजन आयन का इफ्लक्स होता है और पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, नहीं देखिए ए कीजिए, इसका आंसर ए होगा, ए है ना, क्यों ऐसा, अरे भाई इतना कंफ्यूजन, आपको बताया था मैंने जो गार्ड सेल है तो गार्ड सेल के अंदर जो मैलिक एसिड बनता है और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलेट में, और ये मैलेट जा करके इसके अंदर जाता है तो सॉल्यूट अंदर जाएगा तो वाटर की पोटेंशियलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी ना रे भाई, तो वाटर की पोटेंशियलिटी सॉल्यूट कहीं पर भी बढ़ना वाटर की पोटेंशियलिटी का घटना है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सॉल्यूट के बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा और सॉल्वेंट के बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या घटेगा, ये जब तक क्लियर नहीं करोगे, मैं चाहता तो सिर्फ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखा के आगे बढ़ जाता, क्यों आपको इतना देर तक समझा रहा था फ्री एनर्जी की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो क्या डिफरेंस हो रहा है, और सॉल्यूट के बढ़ाने से ओपी में, डीपी में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में, साई डब्ल्यू में, साई एस में क्या चेंजेज आते हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा था। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन आपको कल क्लास में कर दूंगा, 160 तक हो गया है, बाकी का भी केमिस्ट्री का है, ठीक है।